हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो पाइथन की है और पाइथन में हम सीखेंगे कि हम किस प्रकार से चॉइस का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो देखिए पाइथन की शेल है, यहाँ पर आकर के न्यू फाइल ले लेते हैं। अब यहाँ पर वो कोडिंग करनी है जिसमें हम चॉइस का प्रोग्राम बनाएंगे। चॉइस यानी वन टाइप करें तो इंडिया है, टू टाइप करें तो कुछ और है, थ्री टाइप करें तो कुछ और है। इस तरह का एक चॉइस का प्रोग्राम हमें लिखना है। तो ये कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो क्या करता हूं, यहां पर लिख देता हूं ए। एक वेरिएबल है और ये इंट टाइप का वेरिएबल है और यहां पर इनपुट में क्या दे देता हूं, इनपुट में वो चीज दे देंगे जो स्क्रीन पे यूजर को दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पे स्क्रीन पे यूजर को क्या दिखाई पड़ेगा, एंटर द नंबर ऑफ योर चॉइस, ये यूजर को स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा। अब जब यूजर को स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा तो अब यहाँ कंडीशन भी हमको देनी पड़ेगी। तो कंडीशन क्या क्या देंगे, तो कंडीशन सबसे पहले हमें देना है इफ की। तो यहाँ इफ लगा लेते हैं और यहाँ पे देंगे ए, क्योंकि ए नाम से वेरिएबल लिया है तो ए इज इक्वल टू वन, ये वन कर दिया हमने। अगर ए में वन स्टोर है यानी वन टाइप करते हैं आप, तो वन टाइप करेंगे तो यहां पर क्या प्रिंट करवा देंगे, लाइक हम प्रिंट करवा देते हैं इंडिया इस तरीके से। ठीक है, अगर मान लीजिए अब जो है इफ के बाद एलिफ आता है, आपने इफ के बाद एल्स पढ़ा होगा लेकिन यहां पर एलिफ की बात करेंगे। एलिफ यानी कि इफ के अंदर ही 4, 5, 10, 20, 50 स्टेटमेंट, 100 स्टेटमेंट आपको लिखना है तो इफ के अंदर ही वो चलता जाएगा और लास्ट में एक एल्स की स्टेटमेंट आएगी एकदम लास्ट में। तो चलिए एलिफ लगाते हैं, तो यहां लिखता हूं एलिफ। एलिफ लिखने के बाद क्या करना है, ए इज इक्वल टू टू। अगर यूजर ने टू एंटर करा तब क्या होगा, तो यहां प्रिंट करवा देता हूं, प्रिंट लिखा हमने, यहां लिख देता हूं रशिया। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो मान लीजिए फिर अब एलिफ लिखते हैं, तो यहां लिखा एलिफ। ठीक है, ए इज इक्वल टू थ्री, और ऐसे कंडीशन में क्या होगा, प्रिंट करवाते हैं यहां पे। पाकिस्तान। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और फिर यहां पे एलिफ लिखते हैं। एलिफ तब तक चलेगा जब तक कि ये खत्म होने के कगार पे नहीं आ जाएगा, यानी प्रोग्राम खत्म नहीं होने लगेगा तब तक ये एलिफ चलता रहेगा। तो ये एलिफ फिर लिखा हमने और यहां पर अब क्या दे देंगे, ए इज इक्वल टू फोर। ठीक है, तो फोर करेंगे तो यहां पर आएगा नेपाल, तो प्रिंट करवा देंगे यहां पर नेपाल, एन ई पी ए एल, नेपाल प्रिंट करवा दिया। इसको क्लोज किया, एंटर प्रेस करेंगे, फिर एलिफ लिखेंगे। जब तक कि हमें ये चॉइस करवानी है तब तक हमें एलिफ लिखते रहना होगा। तो ये एलिफ लिखेंगे, फिर लिखेंगे ए इक्वल टू, अब फोर तक आ चुका है तो फाइव कर देते हैं। ठीक है, तो फाइव कर दिया हमने और अब एंटर प्रेस करेंगे तो यहां लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद यहां पर क्या करेंगे, यहां पर दे देंगे अमेरिका। अमेरिका इस बार प्रिंट करवा रहे हैं तो यहां पर दे देंगे अमेरिका इस तरीके से। और अब मान लीजिए कि अब कुछ नहीं प्रिंट करवाना है, जब नहीं प्रिंट करवाना है तो यहां पर हमें क्या देना होगा, else देना होगा, तो खाली else लिख दीजिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 5 के बजाय 6 एंटर करेंगे तो else में आ जाएगा वो, तो यहां पे प्रिंट। ठीक है, और प्रिंट लिखने के बाद यहां पर क्या करेंगे, यहां पर दे देंगे इनवैलिड नंबर इस तरीके से। तो ये चॉइस का एक प्रोग्राम आपका बन जाएगा इजीली। और अब इसको सेव करने की बारी है, तो इसको सेव करते हैं। इसको मैं चॉइस के ही नाम से डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूं, चॉइस के नाम से, तो choice चॉइस डॉट पीवाई लगाना बहुत जरूरी है, तो डॉट पीवाई लगाना मत भूलिएगा। बस हो गया ये काम, अब यहां से जाना है प्रिंट पर, रन पर, और यहां से रन करवा देना इस प्रोग्राम को। तो यहां लिखा हुआ आ रहा है एंटर द नंबर ऑफ योर चॉइस, चलिए यहां पर एंटर करता हूं मैं 5 एंटर किया तो यहाँ पे अमेरिका लिखा हुआ आ रहा है। आपको याद है उसमें मैंने क्या दिया था, अमेरिका दिया था। ठीक है, अगर मैं फिर इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, यहाँ से इस प्रोग्राम को अभी क्लोज करता हूँ और यहाँ से रन पे जाकर के और F5 प्रेस करना है या फिर रन मॉड्यूल पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर आ रहा है एंटर द नंबर ऑफ योर चॉइस, तो अगर मैं 1 एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आएगा इंडिया। ठीक है, इसी तरह से 2 एंटर करने पे क्या आएगा, सारी चीजें मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर 2 एंटर करते हैं तो यहां पर आएगा रशिया। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि हम 5 के बजाय 6 एंटर करें, क्योंकि हमने तो दिया है केवल 5 तक, लेकिन अगर 6 एंटर करें तब क्या होगा। तो यहां पे देखिए 6 एंटर किया तो यहां पे क्या आ रहा है, इनवैलिड नंबर आ रहा है, अपने आप ही आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए 7 एंटर किया, 7 एंटर करें, चलिए वो भी देख लेते हैं, तो 7 एंटर करेंगे तो भी इनवैलिड नंबर आएगा। और उसके बाद मान लीजिए 100 एंटर कर दे तब क्या होगा, कुछ भी एंटर कीजिए इनवैलिड नंबर आएगा उसके अलावा।
जो जो दिया है उसके अलावा कुछ भी एंटर करिएगा तो इनवैलिड नंबर। ठीक है, 1000 एंटर करके देखते हैं, जो 1000 पे देखिए कुछ डिफर आ जाए, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यहाँ 1000 एंटर किया तो यहाँ पे भी इनवैलिड नंबर आएगा, तो उसका टेंशन मत लीजिए। ये चॉइस का प्रोग्राम आप इस तरह से बना सकते हैं पाइथन में, बहुत ही इजी है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगेगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।